नमस्कार स्वागत सत्कार मैं दीपक डागोर आप सभी का राजपूतना क्लासेस जयपुर में स्वागत करता हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और आप जानते भी हो कि जब भी कोई नोटिफिकेशन से संबंधित राजस्थान में नई भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो राजपूताना क्लासेज तुरंत आप तक पहुँचा देता है तो दोस्तों मैं दीपक डागो आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार सेशन देख रहे हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुँच सके तो दोस्तों आप थमनेल पर देख ही चुके हैं कि राजस्थान में जो रोडवेज में वैकेंसी आई हैं चालक और परिचालक यानी कि कंडक्टर की और ड्राइवर की जो पोस्ट हैं उसके अलावा अन्य जो पोस्ट हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं इसका दो दिन लगातार अपडेट आया है मीडिया के हिसाब से ठीक है मीडिया में दो दिन अपडेट आ चुका है तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छी लगे जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और राजपूताना क्लास है जयपुर को अपना प्यार जरूर बांटेगा और कमेंट में लिखेगा कि क्या आप हमारे अपडेट से संतुष्ट हैं या नहीं ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और जो अपडेट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन ठीक है दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने है कि राजस्थान में रोडवेज की जो नौ साल बाद वैकेंसी निकली है यानी कि इससे पहले दोस्तों दो में वैकेंसी आई थी ठीक है दो में वैकेंसी आई थी उसके बाद कोई भी राजस्थान रोडवेज में वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई थी ठीक है और अभी वैसे बावन पद ठीक है बावन सौ पदों पर होनी है लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको आगे दूंगा चलिए मैं इसके ये दिखा दिया है आपको कि मीडिया में है यानी कि हम जो बता रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिक है ठीक है और अगस्त तक बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया संभव है फॉर्म भरने का क्या क्या सिस्टम है आगे हम बात करते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन की हैं अप्रूव पोस्ट चौबीस बा, बाईस हजार चार सौ ग्यारह यानी कि हमारे राजस्थान में रोडवेज में कितने पद स्वीकृत हैं कितने पद स्वीकृत हैं स्वीकृत ठीक है कितने पद स्वीकृत हैं? तो बाईस हजार चार सौ ग्यारह इसमें अभी जो वर्तमान में खाली पोस्ट है वो कितनी है दस हजार चार सौ सैंतीस यानी कि लगभग साढ़े दस हजार वैकेंसी हमारे राजस्थान में अभी भी खाली हैं, ठीक है, है दोस्तों जो ड्राइवर की पोस्ट है वो आपके दो हजार आठ सौ उनतालीस पोस्ट हैं और कंडक्टर की कितनी है दोस्तों तेरह सौ दो ठीक है यानी कि इन दोनों वैकेंसियों को मिला करके आपकी टोटल पोस्ट कितनी हो जाती है बावन सौ कितनी पोस्ट है बावन सौ बोला गुरु जी यहाँ तो आपके दस हजार चार सौ सैंतीस बता रहे हो ठीक है तो देखो दोस्तों बाकी की जो बावन सौ पोस्ट बचती हैं पाँच हजार दो सौ जो लगभग पोस्ट बचती हैं उसमें आपके जैसे क्लर्क हो गया ठीक है क्लर्क हो गया इसके अलावा आपके टेक्नीसियन हैं या आ, वो हैं मैकेनिकल हैं मैकेनिक हैं ठीक है इनकी भी पोस्टें है खाली हैं यहाँ पर ठीक है यानी कि बावन सौ पोस्ट तो अदर डिपार्टमेंट में है यानी कि अदर पोस्ट के लिए हैं और बावन सौ जो पोस्ट हैं वो फिक्स हैं आपके दो हज़ार आठ सौ उनतालीस तेरह सौ दो ठीक है अब देखिए दोस्तों इनके लिए बावन सौ पोस्टों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी और ये भी जो बावन सौ पोस्ट हैं इनके लिए भी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे तो दोस्तों अभी तक इसका कोई भी सिलेबस वगैरह के बारे में अपडेट नहीं दिया गया है ना ही पेपर पैटर्न जो रहेगा पेपर पैटर्न उसके बारे में भी कोई अपडेट है ठीक है और ये कन्फर्म मान के चलना इसका सिलेबस और पैटर्न अब की बार दोनों चेंज होंगे ठीक है पिछले 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं होगा बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ठीक है इसके अलावा हम बात करें कि सर फॉर्म कब भरे जाएंगे कैसे भरे जाएंगे तो देखिए दोस्तों अभी चल रहा है आपका जून क्या चल रहा है जून और मीडिया के मुताबिक अगर जून में वित्त विभाग से वित्त विभाग से फाइल के लिए मंजूरी मिल जाती है ठीक है तो जून के बाद जुलाई और फिर आ जाता है आपका अगस्त ठीक है अगस्त मंथ में आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे ठीक है फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे यानी कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा यानी कि आपकी वैकेंसियों के लिए फॉर्म भरना अप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद में तीन से चार महीने का टाइम मिलेगा आपके लिए एग्जाम को ठीक है एग्जाम तीन से चार महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो दोस्तों यहाँ आपके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है आपको ठीक है मैं पहले ही कह के चल रहा हूँ सिलेबस और पैटर्न अभी कुछ भी फिक्स नहीं है इसका ठीक है आप भले ही अभी जो तैयारी करना चाहते हो थोड़ा बहुत पुराने पैटर्न के हिसाब से आप कर सकते हो ठीक है जैसा राजस्थान जी के है कॉमन है राजस्थान जी के आएगा ही आएगा ठीक है तो इस चीज़ की आप तैयारी कर सकते हो पूरा ही पढ़ना पड़ता है इसमें कोई दौरा नहीं है तो ये चीज़ें हैं आपके ठीक है तो बामन पोस्ट तो दोस्तों ये है तो बावन सौ तो पोस्ट तो ये है पाँच हजार दो सौ पाँच हजार दो सौ ये है इसी तरह से आपकी कितनी हो जाती है दस हजार चार सौ सैंतीस पोस्टें टोटल हो जाती हैं और दोस्तों जैसे ही आपका कोई आगे नोटिफिकेशन आता है अपडेट आता है ठीक है नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट आता है वैकेंसी से संबंधित चाहे किस कोई भी वैकेंसी हो ठीक है कोई भी वैकेंसी हो उससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत तो आप तक पहुँचा दिया जाएगा और राजस्थान रोडवेज की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या फिर इसके सिलेबस से संबंधित ठीक है या पेपर पैट से संबंधित पेपर पैटर्न से संबंधित जो भी कोई अपडेट आएगा वो आप तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए प्यारा सा लाइक और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ में जय हिंद जय भारत जय राजपूताना